subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एज आपने देख पहले मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करवा दिया है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उसको देख सकते हो। तो हम पहले देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। सावर मीन्स इन टेस्ट, सावर मीन्स खट्टे। एंड बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। बीटर मीन्स कड़वे। हमने इसको टेस्ट करके नहीं देखना, क्योंकि ये क्या हो सकते हैं, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट होगा इसमें, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या टर्न कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। एंड वेयर एज बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, बी फॉर बेसिस, बी फॉर बीटर एंड बी फॉर ब्लू। इसका एंड पॉइंट क्या होगा, ब्लू में चेंज कर देगा। तो थर्ड पॉइंट होगा इसमें, हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हम एसिड्स को, जैसे आप हमको पता है कि HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, जब भी उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे, एक्वस मीन्स वाटर सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे, तो वो हमें क्या देगा, ये क्या देगा, एच पॉजिटिव। ये डिसोशिएट हो जाएगा एच पॉजिटिव, जो कि एच पॉजिटिव के फॉर्म में तो नहीं रहेगा, तो ये किस में हो जाएगा, H3O हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में आ जाएगा, प्लस H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि HCl कैसे डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, और H पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा, H2O के पास, तो बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और बेसिस का देंगे, दे गिव OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस क्या कौन सा होता है, NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा, डिसोशिएट हो गए Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जो हमें OH नेगेटिव देगा वो क्या होंगे, बेसिस। जो हमें H पॉजिटिव देंगे या H3O पॉजिटिव देंगे वो क्या होंगे, एसिड्स। क्योंकि H पॉजिटिव सिंगली बहुत ही स्मॉल है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H3O पॉजिटिव में। फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हो, दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर। ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वॉटर बनाएंगे, जिससे एसिड प्लस बेस
gives salt plus water. तो जैसे आप देख सकते हो HCl plus NaOH क्या देगा, ये क्या सॉल्ट बन जाएगा NaCl. NaCl कौन सा होता है, कॉमन सॉल्ट जो हम अपनी रसोई में किचन में डेली पर्पस पे यूज करते हैं. और ये क्या OH नेगेटिव और H पॉजिटिव कंबाइन होकर क्या करेगा, ये ऐसे डिसोशिएट होगा जिसमें Na और Cl कंबाइन होकर NaCl सॉल्ट बना देंगे और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन होके वाटर बना देंगे. तो इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. और इसमें बेसिस में लिख सकते हैं दे रिएक्ट विद एसिड, दे रिएक्ट विद एसिड, दे मीन्स बेसिस रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सेम रिएक्ट होंगे जैसे हमने अभी एसिड में देखा. तो अल्कलाई कैन बी डिफाइंड एज दोज बेसिस दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर. तो सारे ही हमारे बेसिस जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, इसलिए सिर्फ वही बेसिस, उन्हीं बेसिस को हम अल्कलाई कहते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो हम एसिड और बेसिस को टेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल होंगे. तो हम इंडिकेटर की हेल्प से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से एसिड्स हैं और कौन से बेसिस हैं. तो यहाँ पे तीन टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं. वन इज नेचुरल इंडिकेटर्स. सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. एंड ना यहाँ पे इंडिकेटर्स. थर्ड वन इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स वो होंगे जो प्लांट्स वगैरह से बने होंगे. सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होंगे जो हमने लेबोरेटरी में खुद सिंथेसाइज किए होंगे. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होंगे जिनकी जो डिटेक्शन है एसिड और बेस की, उसको हम स्मेल के थ्रू कर सकते हैं, उनके ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं कि उनका ऑर्डर कैसा है. ऑल्फैक्टो मीन्स क्या है, ऑल्फैक्टो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, सेंस ऑर्गन, नोज सेंस ऑर्गन्स के लिए. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स है. एक तो फर्स्ट वन इज लिटमस. लिटमस हमारा कहाँ से बनता है, प्लांट्स वगैरह से प्रिपेयर होता है. एंड सेकेंड इज टर्मिक. टर्मिक क्या होती है, हल्दी जो हम घर में यूज करते हैं. तो जब लिटमस को एसिड के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में, ब्लू से रेड हो जाएगा. और जब हम रेड लिटमस को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कैसे टर्न हो जाएगा, ब्लू में. रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में. तो आप बेस से याद कर सकते हो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू. टर्मिक, जब हल्दी को हम एसिड में डालेंगे तो टर्मिक का कलर कैसा होता है, येलो. तो एसिड में डालने से उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा तो कैसा रहेगा, वो येलो कलर ही रहेगा. और बेस में डालने से उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा. तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. सेकेंड है हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स. ये क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. फर्स्ट इज मिथाइलिन ऑरेंज एंड सेकेंड इज
फिनोफ्थलीन। तो जब हम इसको एसिड में डालेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में। और जो बेस में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? येलो। फिनोफ्थलीन को जब हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर कैसा रहेगा? व्हाइट और ट्रांसपेरेंट, जैसा वाटर का, एज वाटर। ठीक है, जब हम उसको, दिस इज बेस, यहाँ पे क्या आएगा? बेस। जब हम इसको बेस में डालेंगे तो फिनोफ्थलीन का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक या फिर वॉयलेट, डार्क पिंक। और फैक्टर इंडिकेटर्स में हम कौन से इंडिकेटर लेंगे? जैसे कि फर्स्ट वन हमारी एनसीईआरटी की नोटबुक में दे रखी है, इज वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस आपने केक या आइसक्रीम वगैरह में डालते सुना होगा। सेकंड वन इज क्लोव ऑयल। क्लोव क्या होती है? हमारी जो लौंग होते हैं उसका तेल। तो जब हम इसको वेनिला एसेंस को एसिड में डालते हैं तो इसका जो ऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसकी जो स्मेल है, मीन्स वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जब हम इसको बेस में डालते हैं तो इसका ऑर्डर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और जब क्लोव ऑयल को हम एसिड में डालते हैं तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और बेस में डालने से इसका ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे आपने देखा कि कैसे हम इंडिकेटर की हेल्प से एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा हमारा लिक्विड या कंपाउंड कौन सा एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है और कौन सा बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।